भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्य कार्य मौसम का अवलोकन करना है और मौसम से प्रभावित होने वाली गतिविधियों जैसे कृषि, सिंचाई, जहाजरानी, विमानन, पर्यटन, तेल अन्वेषण और खेलकूद के लिए पूर्वानुमान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर्षा, लू और शीतलहर जैसी मौसम संबंधी विभीषिकाओं के बारे में चेतावनी जारी करना भी है। मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय मौसम संस्थान है। मौसम विभाग और जलवायु से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है और अब ये मौसम संबंधी चेतावनियों के साथ साथ मौसम सेवाएं प्रदान करने का दायित्व भी निभा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1875 में एक छोटी सी शुरुआत से अब तक एक लंबा सफर तय किया है। विभाग ने पिछले दशक में एक नया मुकाम हासिल किया है। हाल ही के वर्षों में पूर्व चेतावनी सेवाओं में विशेष सुधार हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2400 घंटे निगरानी कर और समय पर रिपोर्ट देकर विश्व स्तर पर सराहना पाई है। 2015 में चेन्नई बाढ़, 2017 में गुजरात बाढ़, 2014 में हुदहुद, 2016 में वर्दा चक्रवात, 2018 में सागर, मेकुनु, लुबान, तितली और फेठही चक्रवात के समय भारी बारिश की पूर्व चेतावनी देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की सराहना हुई है। मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग को जलवायु परिवर्तन और उसके शमन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार विभाग द्वारा हीट एक्शन प्लान के विकास और कार्यान्वयन के लिए शहरी जलवायु संबंधी कार्यों में नेतृत्व की श्रेणी में दिया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग अत्याधुनिक तकनीकों और बुनियादी संरचनाओं से लैस है। इस बुनियादी संरचना का उपयोग विश्व मौसम संगठन और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। साथ ही भारत और विदेशों में आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रमुख भूमिका निभाता है। कई घटकों के लिए पूर्व चेतावनी दी जाती है। मॉडलिंग सिस्टम में सभी प्रकार के अवलोकित डेटा की निगरानी, संसूचन और सम्मिलन होने के बाद मॉडल द्वारा पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। तब पूर्वानुमान मॉडल के आउटपुट को लेते हुए प्रारंभिक चेतावनी और चेतावनी संदेश एवं अलर्ट तैयार किए जाते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशालाओं, संचार प्रणालियों और मॉडलिंग तथा पूर्वानुमान प्रणाली के आधुनिकीकरण के माध्यम से निरंतर अपनी सेवाओं को उन्नत बना रहा है। 2014 से 2018 तक देश और पड़ोसी देशों को प्रभावित करने वाली मौसम संबंधी विभीषिकाओं के लिए पूर्व चेतावनी सेवाओं में उल्लेखनीय उपलब्धि मिली है। मॉनिटरिंग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विश्लेषण प्रक्रियाओं के संदर्भ में उपग्रह, डब्लू डॉपलर वेदर राडार और स्वचालित मौसम स्टेशनों जैसी प्रक्षात्मक प्रणालियों का उन्नयन हुआ है। उपग्रहों, स्वचालित मौसम स्टेशन राडार जैसे अलग अलग प्रेक्षण उपकरण समय पर इनपुट प्रदान करते हैं। ये उपकरण किसी भी खराब मौसम संबंधी घटना की 24 घंटे निगरानी रखते हैं। सतत वेधशालाओं के संजाल में 711 स्वचालित मौसम स्टेशन सहित 1261 वेधशालाएं हैं। स्वचालित मौसम स्टेशन से डेटा प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट टेलीमेट्री को सैटेलाइट और मोबाइल टेलीमेट्री से विस्थापित किया गया है ताकि दोनों टेलीमेट्री प्रणालियों की विशेषताओं का लाभ लिया जा सके। 2014 से 18 के दौरान सभी मौसम वैज्ञानिक वेधशालाओं में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत आने वाली परंपरागत मर्करी यानी पारा बैरोमीटर के स्थान पर डिजिटल स्टैंडर्ड बैरोमीटर लगाए गए हैं। पूरे देश में स्थापित कुल 13,200 वर्षा मापियों और स्वचालित वर्षा मापियों की संख्या 1,160 से बढ़ाकर 1,350 किए जाने से बारिश का अनुमान ज्यादा सटीक होने लगा है। स्वचालित मौसम स्टेशनों पर 300 डुअल टेलीमेट्री वाले डेटा लॉगर्स लगाए गए हैं। इससे नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार आया है। 13 इलेक्ट्रॉनिक सनशाइन रिकॉर्डर्स, 32 बायरेलियोमीटर सहित GPS आधारित सोलर ट्रैकर, 32 सनशाइन ड्यूरेशन सेंसर। वैमानिक मौसम उपकरणों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत नए वैमानिकी मौसम केंद्रों को चालू किया गया है। इससे पहले हमारे पास भारत के RVR थे जिनका रखरखाव आसान नहीं था। ऊपरी वायुमंडल के अवलोकन संबंधी मौसम पूर्वानुमान के लिए एक अनिवार्य घटक है। 2014 में केवल 11 GPS स्टेशन थे। 2018 तक 43 रेडियो स्टेशनों में GPS तकनीक की स्थापना की गई और दिन में दो बार प्रेक्षण लिए जाने लगे, जिससे प्रेक्षण गुणवत्ता बेहतर हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्वदेशी GPS आधारित पायलट सोंडे का सुचारू रूप से उत्पादन शुरू हो गया है। ये रोजाना 32 स्टेशनों से पवन का ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल प्रदान करेगा। मौसम की निगरानी में उपग्रह तकनीक अहम भूमिका निभाती है। 2013 तक भारत मौसम विज्ञान विभाग को भूस्थैतिक उपग्रह इनसेट 3D से चित्र के जरिए हर आधे घंटे के प्रेक्षण प्राप्त हो रहे थे। 2016 में इनसेट 3DR उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ दोनों उपग्रह स्थिर मोड में उपयोग किए जा रहे हैं, ताकि हर 15 मिनट में चित्रों के नए सेट और बादलों के चित्र पूर्वानुमान के लिए उपलब्ध हो सके। रैपिड अब दुनिया में प्रसिद्ध ऑनलाइन उपकरण है, जहां हम सीधे इनसेट 3D रेडियस डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। यहां तक कि उपयोगकर्ता भी लॉगिन करके इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आकाशीय बिजली यानी तड़ित के डेटा को हर 10 मिनट में उपग्रह और डेटा चित्रों के साथ जोड़ दिया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है बेहतर रडार तकनीक। 2013 तक भारत में केवल 10 डॉपलर वेदर रडार थे, वहीं 2018 में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 24 डॉपलर मौसम रडार लगे हैं। देश में इसरो के 3 रडार भी काम कर रहे हैं। भारत को प्रभावित करने वाले चक्रवातीय तूफानों, विभिन्न चक्रवातों की निगरानी रखने में डॉपलर रडार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉपलर मौसम रडार के उपयोग ने स्पेशल के साथ साथ टेम्पोरल डोमेन में सटीकता को बढ़ाया है। पश्चिमी तट पर मौसम का परीक्षण करने के लिए हमारे पास 3 डॉपलर रडार हैं। एक गोवा में हाल ही में स्थापित किया गया है, एक मुंबई में और एक भुज में है, और एक रडार जल्द ही अहमदाबाद में और एक रत्नागिरी में लगाया जाने वाला है। हाल ही में हमने अक्टूबर 2018 में तिरुवनंतपुरम के लिए चक्रवात चेतावनी केंद्र शुरू किया। कोच्चि में चक्रवात संसूचन रडार 2017 में शुरू किया गया। 2014 से हमने कई एरोसोल मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना की है, जिसमें से एक स्काई रेडियो मीटर नेटवर्क है, जिसका उपयोग एरोसोल ऑप्टिकल गुणों और अंततः एरोसोल के रेडिएटिव फोर्सिंग की निगरानी के लिए किया जाता है। ब्लैक कार्बन, एरोसोल और वर्णक्रमीय अवशोषण गुणांक के मापन, PM10 एवं PM2.5 और कुल निलंबित अभिकणीय पदार्थ के रासायनिक लक्षण के लिए हमने पूरे देश में 25 ब्लैक कार्बन मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करने और उसे समझने के लिए देश के अंदर और दूसरे देशों के साथ भी मौसम संबंधी प्रेक्षणों का आदान प्रदान आवश्यक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग वैश्विक सूचना प्रणाली केंद्र अर्थात GISC के रूप में काम करता है। GISC विश्व मौसम संगठन सूचना प्रणाली यानी WIS का एक मुख्य घटक है। वैश्विक सूचना प्रणाली केंद्रों के कार्यान्वयन के साथ भारत वैश्विक डेटा के प्रसार के 15 केंद्रों में से एक बन गया है। आज ये 3 प्रकार के संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान अर्थात NWP का उपयोग करता है। ये मॉडल इस प्रकार है। व्यक्तिगत नियतात्मक मॉडल 10 दिनों की पूर्वानुमान लीड अवधि के साथ GFS 12 किलोमीटर, यूनिफाइड मॉडल 12 किलोमीटर और 3 दिनों के पूर्वानुमान के साथ WRF 3 किलोमीटर विभेदन, 5 दिनों के लिए मल्टी मॉडल एंसेंबल MME, एकल मॉडल एंसेंबल पूर्वानुमान प्रणाली जिनके नाम है ग्लोबल एंसेंबल फोरकास्टिंग NCM RWF, एकीकृत मॉडल EPS, दोनों 12 किलोमीटर की विभेदन और 10 दिनों की पूर्वानुमान की लीड अवधि के साथ। 2014 में 23 किलोमीटर विभेदन पर हमने अपना ग्लोबल मॉडल शुरू किया। अब हम ये मॉडल 12 किलोमीटर विभेदन पर चला रहे हैं। उसी मॉडल को अब हम 3 किलोमीटर विभेदन पर चला रहे हैं। विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय लेने में एक बड़ा बदलाव आया है। 11 स्थानों पर मौजूदा निर्णय समर्थन सिस्टम DSS सिनर्जी के अलावा मेटकैप प्लस नाम से दूसरी प्रणाली स्थापित की गई है। इसे 9 मौसम केंद्रों में आरंभ किया गया है। सभी पूर्वानुमान केंद्रों पर उन्नत पूर्वानुमान अवसंरचना उपलब्ध है, जिनमें स्वचालित प्लांटिंग के लिए प्लांटर्स, विश्लेषण के लिए इंटरैक्टिव डिस्प्ले सिस्टम,
दृश्य कल्पना के लिए वीडियो वॉल्स, सर्वसम्मति से पूर्वानुमान के वीडियो सम्मेलन प्रणाली शामिल है। 2018 के अंत तक बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए QPF की वैधता अवधि 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। बुलेटिन की आवृत्ति बढ़ा दी गई है और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए QPF जारी करने के लिए पूरे देश में 146 कैचमेंट्स को शामिल किया जा चुका है। पहले हम वर्षा की निगरानी सप्ताह में केवल एक बार कर रहे थे, पर अब हम हर रोज केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य, जिला, तालुका स्तर पर भी वर्षा की निगरानी करने में सक्षम हैं। दो साल पहले जुलाई 2017 में गुजरात के उत्तरी भाग में भारी वर्षा की घटना का भी इतना सटीक पूर्वानुमान दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री रूपानी जी ने भारी वर्षा या अत्यधिक भारी वर्षा की घटनाओं के हमारे सटीक पूर्वानुमान के बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग की प्रशंसा की। हमारे विभाग ने बहुत सही काम किया और सटीक अनुमान लगाए। अभी रिसेंटली जो साइक्लोन आया था तितली, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, उसमें ओनली फ्यू परसेंट्स का कैजुअलिटी हुआ है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद जो है हमारा एक्यूरेसी लेवल जो है इन पर्टिकुलर सितंबर से लेके हमारा फरवरी तक जो है 80-90% हमारा एक्यूरेट रहता है, जैसे कि लोगों को भी पता है, जिसका भरपूर फायदा जो है हमारे जनरल पब्लिक, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है इसका पूरा फायदा उठाते हैं। हम भिन्न भिन्न हितधारकों जैसे मछुआरा प्राधिकरण, मात्स्यिकी निदेशिका, मछुआरा एसोसिएशन के माध्यम से मछुआरों के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं। सभी प्रकार के खराब मौसम के प्रभाव का पूर्वानुमान जिला स्तर तक हरे, पीले, नारंगी, लाल रंग के कोड के उपयोग के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें चक्रवातों, लू और विशेष रूप से गरज वाले तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रणाली में, तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से प्रगति हुई है। पूर्वानुमान की सटीकता में बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और हम पूरे देश में सभी प्रकार की मौसमी परिघटनाओं की निगरानी करते हैं। ऊर्ध्वाधर चक्रवात के मामले में भारी वर्षा, गरज वाले तूफान जैसी मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में 30-35% का सुधार हुआ है। और अगर हम 2014 से 18 की अवधि के बारे में बात करें तो उस दौरान 10-20% का सुधार देखने को मिला है। भारी वर्षा के लिए त्रुटिपूर्ण चेतावनियों में भी कमी आई है, जो 2002 और 2012 के दौरान 46% और 51% थी, वो घटकर वर्ष 2014-18 के दौरान क्रमशः 11% और 33% पर आ गई। पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार हुआ है। वर्ष 2014 में जो 49% था वो 2018 में 71% हो गया है। भारी वर्षा के पूर्वानुमान की सफलता का सूचकांक 2014 में 42% से बढ़कर 2018 में 53% हो गया है। तात्कालिक अनुमान अथवा अत्यंत अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान जो 2014 में अगले 3 घंटे के लिए 180 शहरों के लिए किया जाता था, वो 2018 में बढ़कर 433 शहरों के लिए किया जाने लगा है। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग उच्च विभेदन के संख्यात्मक मॉडलों, जिनमें हर 15 मिनट पर उपग्रह डेटा, हर आधे घंटे में वर्तमान मौसम प्रेक्षण और विशेषज्ञ प्रणालियों जैसे उपग्रह आधारित तात्कालिक अनुमान तकनीक और रडार आधारित स्वल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। रोडवेज, रेलवे और विद्युत क्षेत्र में भी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अनुमान का गंभीरता से उपयोग किया जाता है। स्थानीय पूर्वानुमान अब 324 शहरों के लिए और तात्कालिक अनुमान 433 शहरों के लिए जारी किए जा रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सही रूप में अपनी समर्पित मीडिया ब्रीफिंग, नियमित प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 21वीं सदी में कदम रखा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और ट्विटर पर तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर चेतावनियां शॉर्ट मूवी लूप में डाली जाती हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की एक और सफलता इसकी कृषि मौसम विज्ञान सेवाएं हैं। किसानों को मौसम का पूर्वानुमान बुलेटिन 5 दिन की वैधता अवधि के साथ सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। द नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने 2015 में बताया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के उपयोग के कारण अलग अलग मौसमों में लगाई जाने वाली फसलों में लगभग 25% का लाभ हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान 2014 में 2 करोड़ से अधिक और 2018 में लगभग 4 करोड़ किसानों तक पहुंचाया गया है।
देश के अलग अलग कृषि क्षेत्रों में स्थापित कृषि मौसम फील्ड यूनिट के माध्यम से किसानों को हमारी ओर से विशिष्ट सलाह और चेतावनी जारी की जाती है। सप्ताह में एक बार विस्तारित रेंज पूर्वानुमान जारी किया जाता है, जो अगले 4 हफ्तों में वर्षा, तापमान, लू अथवा शीतलहर, शुष्क मौसम या आर्द्र मौसम तथा चक्रवात की संभावना का पूर्वानुमान देता है। 2016 के बाद से हम परिचालन के आधार पर अपने युगल मॉडल चला रहे हैं। हमने इसका उपयोग हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशन, आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की तुलना में आरक्षक एप्लीकेशन के लिए किया है, और इसके अलावा ऐसा हम कृषि क्षेत्र में भी करते हैं। मॉनसून के लिए दीर्घ अवधि पूर्वानुमान या LRF भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा जारी किया जाता है। नए सांख्यिकीय मॉडल और युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली यानी CFS बेस्ड डायनामिकल मॉडल्स मॉनसून ऋतु में वर्षा के पूर्वानुमान में पिछले दशक में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्ष 2009, 2014 और 2015 में पड़े सूखे को लेकर वार्षिक मानसून अवधि के संकेत को सही ढंग से अनुमानित करने में सक्षम रहा। वर्ष 2014 और 2015 में लगातार सूखा पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसके लिए मौसमी वर्षा का सही पूर्वानुमान दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था में भारत मौसम विज्ञान विभाग का योगदान अपरिहार्य है। हुदहुद चक्रवात के सटीक पूर्वानुमान ने निकासी खर्चे और अनुग्रह राशि के भुगतान के संदर्भ में लगभग 500 करोड़ रुपए बचाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग और विद्युत मंत्रालय के सहयोग के कारण विद्युत क्षेत्र को भी लाभ हुआ। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किए गए हीट एक्शन प्लान के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ हुए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सही पूर्वानुमान और चेतावनी दी है, इसलिए सरकार को लोगों के जान माल को बचाने के लिए समय मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग समाज की सेवा करने के लिए और अधिक तत्परता से कार्य करता रहेगा और समाज से उनके फीडबैक के आधार पर अपने उत्पादों की गुणवत्ता में और सुधार करता रहेगा। इस प्रकार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश में मौसम संबंधी अवलोकन और पूर्वानुमान में बदलाव का दौर ला दिया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में अपना स्थान बना लिया है।